तो भाई हमने साउंड बार देख लिए, पोर्टेबल स्पीकर देख लिए, डेस्कटॉप के भी स्पीकर देख लिए, लेकिन अब जेब्रोनिक्स लेके आया भाई एक नया आइटम। इसका नाम है भाई बुक शेल्फ स्पीकर। नहीं मतलब क्या चाह रहे हो, इसको रखने के लिए एक शेल्फ बनाए, क्योंकि मेरे रूम में तो कहीं पर है नहीं शेल्फ। मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि इसका डिजाइन थोड़ा ऐसे बुक शेल्फ के जैसा हो, या पता नहीं भाई, देखो खोल के पता चलेगा। वो तो अब उसके लिए अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट। भैया ये रहे अपने दोनों स्पीकर, एक एक करके दोनों को निकाला जाए। अब दूसरे की बारी, और यह बॉक्स हमारे पास खाली हो गया, बस कुछ पैकेट मिलता है, थोड़ी किताबें विताबें होंगी इसमें। वी हैव बुक शेल्फ स्पीकर। कुछ भी कहो, देखो जेब्रोनिक्स की टीम में जो नामकरण करने वाले हैं ना, वो काफी ज्यादा स्पेशल लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पहले इस पैकेट पे नजर डालो, तो इस पैकेट में से निकलता है एक अपना रिमोट। और ये रिमोट ऐसा है भाई जैसे मतलब पहले पुराने डब्बे वाले टीवी होते थे ना, उनका होता था बिल्कुल वैसा रिमोट है भाई। ठीक है, रेट्रो वाइब आएगी और क्या। एक अपनी ऑक्स केबल, और ये रेड और व्हाइट वाली जो टिपिकल पुराने जमाने वाली, इन स्पीकर के साथ वही चलती होगी भाई। एंड ये वाली केबल देख रहे हो भाई, यहाँ से कटी हुई है जो, ये एज एन एंटीना काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर एफएम का भी सपोर्ट है। लेट्स चेक ऑल द थिंग्स, पहले स्पीकर्स देखते हैं। और हाँ, QR भी मिलता है ये यूजर मैनुअल स्कैन करके डाउनलोड करने के लिए भाई। तो फाइनली कुछ ऐसे निकलते हैं अपने दोनों स्पीकर, ये 2.0 चैनल वाले हो गए ना, क्योंकि दो हैं। और इन दोनों स्पीकर के अंदर ही सब वूफर भी फिट है, ट्वीटर भी फिट है, मतलब सब कुछ दोनों के अंदर। अब इसे अपने बुक शेल्फ में रखो और बजाओ। तो सामने की तरफ डिजाइन कुछ ऐसा, यहाँ पर आयरन मैश लगी हुई है दोनों के आगे, नीचे ब्रांडिंग कर रखी है। और यहाँ देख सकते हो सामने भाई ऐसे स्प्लिट कर रखा है दोनों को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अंदर ना ऐसे लाइट वाइट फिट कर रखी है, जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा, चला के देखेंगे। बाकी है बिल्कुल एकदम दिखने में सिमिलर, हो सकता है कैमरा में ना दिख रहा हो, बट अंदर मेरे को बड़ा बड़ा एक स्पीकर दिख रहा है और उसके ऊपर एक ट्वीटर भी दिख रहा है। पीछे की साइड हमें एक स्पीकर तो बिल्कुल प्लेन मिलता है, दूसरे स्पीकर के पीछे सारे कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। यहाँ पर टॉप पर इसके USB पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक भी दे रखा है भाई, और छेद तो दोनों के पीछे मिलता है हमें। क्या बोला तूने? तो जो अपना सेकेंडरी स्पीकर है, इसके अंदर हमें एक ब्लैक और एक येलो वायर मिलती है। ठीक है, येलो वाली तो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ स्पीकर्स भी लिखा हुआ है। एंड ब्लैक वाली अपनी यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो, ब्लैक पिन्स फॉर LED। पावर जाएगी ब्लैक से, येलो से जाएगी आवाज। बाकी और स्पीकर अटैच करने हो तो उनके इनपुट्स के लिए यहाँ पर और भी छेद दे रखे हमें, और यहाँ नीचे ऑन ऑफ स्विच मिलता है। और ये रही अपनी केबल, पावर केबल है ये। और इसी स्पीकर के भाई टॉप पर अभी हमें कंट्रोल्स मिलते हैं काफी सारे। टॉप पर मिलती है हमें वॉल्यूम नॉब, इसको घुमा घुमा के ऐसे शेक द बूटी शेक द बूटी, आवाज कम ज्यादा करो। बाकी यहाँ पर मोड स्विच आगे पीछे करने का और प्ले पॉज का बटन भी दे रखा है। तो भाई ऑन होने के बाद यहाँ देख सकते हो मस्त मस्त LED लाइटें आ रही हैं भाई हर जगह से। नीचे जेब्रोनिक्स के लोगों में भी लाइट दे रखी है। और यहाँ सामने हमें इसकी डिस्प्ले मिलती है, जहां पर सारे मोड्स वगैरह वॉल्यूम वगैरह सब चीजें, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन विजिबल हो जाएगी। और ये लाइटें ना ऐसे मतलब एकदम नशीली वाइब्स आ रही है भाई इसको देख के, कुछ भी कहो। बाकी जितनी भी वायर वगैरह इसके साथ मिलती है, उन सबकी क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसी स्पीकर्स की वायर होती है वैसी ही मान सकते हो, कि इनको हम ज्यादा दूर दूर नहीं रख सकते, क्योंकि वायर की लेंथ काफी लिमिटेड है, 1 मीटर के आसपास की लेंथ है इसकी। तो 1 मीटर से ज्यादा दूरी पर इन्हें हम रख नहीं सकते। अगर रखना है तो फिर आफ्टर मार्केट कोई ज्यादा लंबी तार खरीदनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगा कि 1 मीटर की दूरी पर रखो दोनों को, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे सही बताऊं, ये ना बड़े साइज के डेस्कटॉप स्पीकर लग रहे हैं, जैसे हमने बीच में अभी टॉप 5 डेस्कटॉप स्पीकर रिव्यू करे थे, तो सारे छोटे छोटे स्पीकर थे उसमें काफी ज्यादा, जो अंडर 1000 आ जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि महंगे हैं और ज्यादा आउटपुट वाले हैं, तो ये उनके ऐसे पापा वर्जन होता है ना, जो वो लग रहा है मेरे को। बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस बता देता हूँ, ब्लूटूथ से इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, 5.0 वाला ब्लूटूथ मिलता है इसमें। और उसके अलावा USB पोर्ट भी है, तो कोई पेनड्राइव वेनड्राइव लगा के कनेक्ट कर लो, लेकिन मैक्सिमम 32GB की पेनड्राइव सपोर्ट कर लेगा, उससे ज्यादा कैपेसिटी वाले का कोई भी USB डिवाइस सपोर्ट नहीं कर पाएगा ये। एंड पीछे एक AUX का पोर्ट भी दिखा दिया मैंने, जिसको मैं हेडफोन जैक कह रहा था। और FM रेडियो भी है इसके अंदर, जो एंटीना वाला सिस्टम मैंने तुम्हें अभी दिखाया, तार मिलती है एक। FM चलाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये व्हाइट वाला छेद मिलता है ना, नीचे लिखा भी हुआ है FM वाला, उस तार को यहाँ लगाना पड़ेगा, तभी कनेक्शन बना पाएगा FM का। बाकी फटाफट एक बार रिमोट पे भी नजर डाल लेते हैं, यहाँ पर ऐसे वॉल्यूम कम ज्यादा का बटन मिलता है, ये सारे FM के शायद चैनल्स को स्विच करने के लिए नंबर दे रखे हैं हमें। एक EQ का बटन मिलता है इक्वलाइजर चेंज करने के लिए, और ऑन ऑफ का बटन, इनपुट चेंज करने का बटन, म्यूट अनम्यूट का बटन, और ये FM को आगे पीछे करने का, और प्ले पॉज का बटन, मतलब ट्रैक को भी इससे आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस यही है रिमोट में, पीछे अगर हम देखें तो हमेशा की तरह सेल गायब है। ये ना सस्ते स्पीकरों में सेल नहीं देते जेब्रोनिक्स वाले भाई, करो जुगाड़ फिर से किसी और रिमोट के निकालो। और हाँ, अपने दोनों स्पीकर्स का जो ये पूरा केबिनेट है ये वुडन आता है, बस ये ऊपर वाला पार्ट प्लास्टिक है और फ्रंट वाला जो है वो आयरन मैश लगी हुई है। अब इतनी यूनिक चीज देखने को मिल रही है तो रहा कैसे जाएगा भाई, पहले फटाफट इसकी एक बार आवाज सुन लेते हैं, बाकी बातें बाद में भी करते रहेंगे, अभी वीडियो सब चीजें बताएंगे। कनेक्ट हो चुका है,
भाई देखो यार, आवाज तो बहुत ही मतलब ऐसे लाउड लाउड तो आ रही है भाई, लेकिन मुझे कुछ चीजें ना ऐसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर बेस अच्छी आ रही है, कहीं पर वोकल ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, तो हर गाने के हिसाब से अलग से साउंड कर रही है। और एक तो इसके अंदर ना ये दिक्कत है, इसके रिमोट के अंदर हमें कहीं पर भी बेस और ट्रेबल का अलग से फंक्शन दे नहीं रखा। इक्वलाइजर के लिए एक बटन दे रखा है और उसके अंदर ना ऐसे अलग अलग इक्वलाइजर वाले मोड्स होते हैं, जैसे जैज, पॉप, रॉक और भाई पता नहीं क्लासिक व्लासिक अनसेंट, जैसे पहले पुराने जमाने में मोड्स आया करते थे, वही सब इसके अंदर दे रखे हैं। तो कस्टमाइजेबल इक्वलाइजर नहीं मिलता, तो वही मोड्स हैं जिनमें स्विच करके आवाज चेंज हो जाती है। किसी गाने में कोई मोड अच्छा लग रहा है, किसी में कोई, तो ये मुझे ड्रॉबैक भी लगा कि यार वो दे देते तो ज्यादा बढ़िया काम हो जाता, क्योंकि अपने हिसाब से हम ट्वीक कर पाते हैं। तो अब इसके लिए मुझे भाई डिटेल टेस्टिंग इसकी करनी पड़ेगी। बाकी वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम जाती है भाई +30 तक, उससे ज्यादा नहीं जाती है, उतनी भी इनफ है। 80 वॉट्स का मैक्सिमम RMS आउटपुट है, 40-40 वॉट के दोनों हमें आउटपुट निकाल के देते हैं। और जो ड्राइवर का साइज है वो है 11.7 सेंटीमीटर का, वूफर का ट्विटर लगे हुए हैं, उनका ड्राइवर साइज है 5.08 सेंटीमीटर का। तो बहुत ज्यादा बड़े ड्राइवर नहीं है, तो इसीलिए उन ड्राइवर के हिसाब से ही हम साउंड को जज करेंगे। तो मैं सारी चीजें एकदम डिटेल में टेस्ट करने के बाद मिलता हूँ। तो भाई एकदम फुल खतरनाक टेस्टिंग हम इसकी कर चुके हैं, टीवी के साथ लगा करके मैंने सब चीजें एकदम एग्जामिन कर ली है। अब कुछ चीजें जो मेरे को बहुत ज्यादा बढ़िया लगी इसके बारे में वो दिखाता हूँ। ये जो इसकी LED स्ट्रिप है ना, जब हमने जैसे इसको टेबल पर रखा, तो यहाँ देख सकते हो भाई साइड में ऐसे एक यहाँ पर और एक लेफ्ट साइड पर दो लाइन्स आ रही है। सिमिलरली उस वाले स्पीकर की भी यहाँ देख सकते हो दो ब्लू ब्लू कलर की लाइन्स आ रही है, तो एम्बियंस बनाने के काम आती है चीज, काफी बढ़िया लगती है। एंड अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो एक काम कर सकते हो, ये इनपुट वाला जो बटन है को यहाँ पर ऐसे हमें प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और ये लाइटें हमारी बंद हो जाएंगी, जैसे मन करे वैसे रखो। और रही बात साउंड की, तो एक बार मैं तुम्हें खुद भी साउंड दिखा देता हूँ इसकी टेस्ट करके, नॉन कॉपीराइट गाना चला रहा हूँ, तो एक बार सुन के देख लो। वॉल्यूम मैक्स है, यार नो डाउट थंप अच्छा खासा देता है ये, मतलब बेस की तो कोई कमी लगी नहीं मुझे ऐसा। देखो अगर तुम एक साउंड बार से कंपेयर करो ना, जो साउंड बार के साथ एक बड़ा सा सबवूफर आता है, उसके कंपेयर में बेस मुझे कम लगेगी, क्योंकि सबवूफर का पूरा कैबिनेट अलग आता है ना, ऊपर से हम उसको जमीन पे रख दे तो बहुत ही डीप बेस निकाल के देता है, तो वो चीज तो इसमें नहीं है। बट अगर इसे स्टीरियो स्पीकर के हिसाब से जज करे, जिसके अंदर बेस है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है इसकी, तो उस हिसाब से मेरे को बढ़िया लगी बेस इसकी। बाकी वोकल्स काफी क्लियर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर मैं इक्वलाइजर वाले मोड्स की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको सारे इक्वलाइजर मोड्स पे चेक करा था, तो जो नन मोड है ना वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, मतलब जिसमें कोई भी हम इक्वलाइजर अगर अप्लाई नहीं करते हैं, तो उन सब में ना हल्की हल्की आवाज शिफ्ट होती है, किसी में बेस बढ़ जाती है, किसी में वोकल एनहांस हो जाते हैं और किसी के अंदर अजीब सी हो जाती है आवाज। बट हाँ, डिस्टोर्शन हमें कहीं नहीं मिलता फुल वॉल्यूम पर, तुम कहीं पर भी ब्लूटूथ ऑक्स कैसे भी यूज करो, डिस्टोर्शन नहीं है बिल्कुल भी, जो कि एक बहुत ही सही चीज लगी। वो इसीलिए भी क्योंकि ट्विटर और वूफर दोनों अलग अलग कर रखे हैं ना, तो ऐसे सेटअप में जनरली डिस्टोर्शन नहीं आता, और इसमें भी नहीं है। बाकी एक बार मैं मूवी का भी सैंपल सुना देता हूँ, अगर मूवी वूवी देखना पसंद है टीवी के साथ अगर तुम इसे कनेक्ट करते हो तो। भाई जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मिर्जापुर आई है आज तो मिर्जापुर देखो भाई, इसके अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मूवी के हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और इक्वलाइजर की बात करें तो मैंने जैज वाले मोड पे इसे ट्राई किया, तो उस पे वोकल्स एनहांस हो रहे हैं और बेस थोड़ी सी कम हो रही है, तो मूवी के हिसाब से वो मतलब बेस्ट मोड मुझे लगा। बाकी भाई अपने हिसाब से हर किसी के कानों की अलग अलग क्षमता है, तो हर किसी को अपना अलग मोड पसंद आ सकता है, तो ये एक फायदा लगा। बट हाँ, स्टिल मैं ये कहूंगा ट्रेबल और बेस का अलग अलग मोड होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो मैं फाइनल बताऊं, देखो यार मेरा है 10x15 का, इस रूम के हिसाब से भाई मोर देन इनफ है। 80 वॉट्स का आउटपुट काफी दमदार ये निकाल के दे रहे हैं स्पीकर्स, और टीवी वगैरह के साथ अगर तुम रख के पेयर करना चाहते हो तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं लगेगी, मतलब आवाज में कमी नहीं है। अगर तुम्हारे टीवी के स्पीकर अच्छे नहीं है तो 5000 में भाई वर्थ अपग्रेड हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें दे रहे हैं और ज्यादा कोई जगह भी नहीं घेरेंगे मेरे हिसाब से। एंड मिड्स भी अच्छे हैं, हाइज भी अच्छे हैं और लोज भी बढ़िया ही है, मतलब ओवरऑल साउंड बैलेंस्ड है, कोई भी चीज तुम्हें बहुत ही ज्यादा अजीब सी नहीं लगेगी, मतलब ओवरऑल मेरे को बैलेंस ही आवाज लगी। बट हाँ, साउंड बार और जो सबवूफर का एक कॉम्बो आता है ना, अगर वो 100 वॉट से ऊपर का तुम लेते हो, जैसे हमने रिसेंटली 120 वॉट वाला बोल्ट का रिव्यू किया था, उसके कंपेयर में डीप बेस मिसिंग लगेगी तुम्हें, तो वो अपने हिसाब से प्रेफरेंस है तुम्हारी भाई, उस हिसाब से देख लेना। बाकी वैसे ऐसा कोई कमी नहीं लगी मुझे बेस में, साउंड बार के कंपेयर में थोड़ी कम है। तो 5000 रुपए का इसका प्राइस है अभी करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो 5000 के हिसाब से तुम प्रेफर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई और इसके कंपेयर में बढ़िया साउंड बार नहीं मिल रहा। बाकी मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, तो डिसीजन भाई तुम्हारा है अपने
हिसाब से डिसाइड कर लेना जो तुम्हें ठीक लगे। बाकी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। और वीडियो पसंद आई हो भाई की लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।